देश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर धर्म जागरण मंच व विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा श्रद्धा हत्याकांड के विरोध स्वरूप आरोपी को तुरंत फांसी की सजा की मांग को लेकर रोष प्रदर्शन रैली का आयोजन अंबेडकर भवन अंब से उपमंडल अधिकारी कार्यालय तक किया गया। दिल्ली में श्रद्धा की निर्मम हत्या के विरोध में आरोपी आफताब को फांसी की सजा देने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में धर्मांतर तथा लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके लिए प्रदेश तथा देश सरकार को कठोर से कठोर नियम तथा कानून बनाने चाहिए। विश्व हिंदू परिषद विभाग सेवा प्रमुख संजीव चौहान, बजरंगी दल बजरंगी अमित गौतम, सुरेंद्र सिंह व धर्म जागरण मंच के जिला संयोजक सतवीर जोगेंद्र के द्वारा उपमंडल अधिकारी अंब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें आरोपी को तुरंत फांसी की सजा एवं लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाने का अनुरोध किया गया। आज अपने उन्ना जिले के अंब क्षेत्र में जिस प्रकार की ये जिहादी घटनाएं घट रही हैं, अभी 4 महीने पहले प्राची बहन की यहाँ हत्या कर दी, प्रशासन का कोई योगदान नहीं, प्रशासन सोया रहता है, इस कारण सारी घटनाएं घटती। प्रशासन कभी चेक नहीं करता है ये फेरी वाला कौन जा रहा है। हम उसको पूछते हैं तो वो कहता है मैं तो यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ। तो मैं कहा भाई तू 10 साल से रह रहा, तेरा पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ है? वो बोलता वो तो मैंने कराई नहीं। हमारा जो प्रशासन है वो ढीला, इसको भी चुस्त तोड़ की जरूरत है। और उसी का परिणाम आज हम सब जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये श्रद्धा की बहन की जो आफ्ताब ने हत्या करने के बाद 35 टुकड़े कर दिए, ये भी उसी मुस्लिम जिहाद मुस्लिम मानसिकता का परिचय है। ये इनको पढ़ाया जाता है मदरसों के अंदर, इनकी कुरान में लिखा है। 1990 में इन्हीं मुसलमानों ने नारा लगाया था हमें कश्मीर चाहिए हिंदू। और हिमाचल प्लस न्यूज के लिए अंब से अविनाश चौहान की रिपोर्ट।